हर बार सस्ते में की चाहिए, सस्ते में सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। हर किसी को शॉपिंग करनी हो, हर किसी को सस्ते में चीज चाहिए, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। तो आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो सस्ते में जो डिस्काउंट में कैसे चीज ले सकते हैं। तो आखिरी तक बनी रहेगा, मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, ऑफलाइन दोनों तरीके बताऊंगा। तो आप दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर लेनी है, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपका कोई काट कर जा सकते हैं। अगर और रिसर्च करते हो तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि आप इसको कैसे जो हैंडल करेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे तो आपको इसका हिसाब लग जाएगा कि आपको जो चीज़ है वो सस्ते में मिल रही है कि महंगे में। तो आप अपने जो रिसर्च लिए आप उसके कंपेरिजन देखिए, और उसके जो प्रोडक्ट के जो है कंपटीटर प्रोडक्ट हैं उनको देखिए, उनके प्राइस देखिए। तो आपको जाना है रिसर्च करनी है, उसके आपको गूगल पर जाना है, उसके जो प्रोडक्ट के देखने हैं, प्रोडक्ट देखना है, वहाँ डिफरेंट साइट्स पर देखने प्रोडक्ट को। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप ऑनलाइन सेल्स अलर्ट लगा दो कि जब भी प्राइस जो ड्रॉप होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्राइस रजिस्ट्री जो ऐप है, और इसकी वेबसाइट भी, आप वेबसाइट पर जा सकते हो, गूगल पर जाओ और प्राइस रजिस्ट्री सर्च करो, जो सबसे पहला लिंक है। तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डालो, तो उसकी जो जो प्राइस रजिस्ट्री निकल आएगी, तो वहाँ पर आपको जो इसका जो प्राइस अलर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ उसको। तो जब भी प्राइस ड्रॉप होती है तो हमें अलर्ट आ जाता है, तो हम तब उसको खरीद सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते। नंबर तीन है प्राइस हिस्ट्री, ये भी उसके साथ ही मैच करता है, क्योंकि सेम ऐप सेम वेबसाइट पर आपको ये काम मिलेगा। अगर आपको वैसे ही लिंक डालना है प्राइस हिस्ट्री पर जाकर, जब डालोगे तो आपको प्राइस हिस्ट्री आएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि अब जो प्राइस है वो पिछली प्राइस से कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, या कितनी प्राइस पर मिल रहा है। तो अगर कम मिल रहा है तो आप जो खरीद सकते हैं, तो दैट इज़ अ बेस्ट वे टू स्टार्ट विथ। तो आप जो सबसे शुरुआत में ऐसे जो करेंगे तो ये काफ़ी आसानी होगी आपको जो चीज़ें सस्ते में लेने में। उसके बाद आप अगर आपको जो चीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा हम लोग ख़राब नहीं होती और आपको अपग्रेड या करना होता है थोड़े टाइम बाद, तो आप नहीं कर पाते, तो आपके पास इतना पैसा, आप अगर रिफर्बिश्ड यूज़ करो तो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले सकते हो। फिर अगर आप ऑनलाइन रिजेक्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दो जो वेबसाइट बता देता हूँ, एक ORX एंड सेकंड इज टू गुड, पर आपको यहाँ पर भी आपका काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान से काम करना है यहाँ पर, तो आपको जो प्राइस है कम करवानी है उनसे, और टू गुड पर तो नहीं होती, पर आपको देख कर लेनी हो अगर वहाँ से लेनी हो। तो अगर आप अपने जो दोस्त मित्र वगैरह से लेना तो आप सस्ते में ले सकते हो, आपको पता भी है कितना टाइम उसने यूज़ किया, कैसे यूज़ करता है वो चीज़ को। तो आप अगर फ्रेंड से लेनी है तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने जो सामान लिया होता है उन्होंने अपग्रेड करना होता है, जो पिछली चीज़ें वो ऐसे सस्ते में निकालनी होती है उन्होंने, तो ऐसी चीज़ों पर आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पांचवें स्टेप पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि आपने कैसे सस्ते में चीज़ लेनी है, तो ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दो। ये सबसे ज़्यादा स्टेप की वीडियो है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको सभी जो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, आप सब्सक्राइब कर दो, बेल कर दो, तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आपको कैसे कैसे जो सस्ते में चीज़ लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट यहाँ पर हम डालते रहते हैं। ये वाली चीज़ जो ऑफलाइन मार्केट पर एप्लीकेबल है, तो आपको जो बार्गेनिंग करनी है, बार्गेनिंग में जो औरतें हैं नंबर वन पर हैं, आप औरतों से सीख सकते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली आपने घर पर भी कोई ना कोई होगा जो अच्छे से बार्गेनिंग कर लेता, उनसे सीखना है। आपने हमेशा बार्गेनिंग करनी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको बार्गेनिंग कर आपको सस्ता चीज़ मिल गए तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप तो दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड ये एक स्किल है अपने आप में बार्गेनिंग करना। तो अगर आप बार्गेनिंग करना सीख जाते हैं तो आप अच्छे से अपने जो बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में आप चीज़ें ले सकते हो। नंबर 7, बाय ऑन द सेल, अगर आप सेल्स पर खरीदते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाता है। तो जो मोस्टली ऑनलाइन सेल होती है वो दिवाली और न्यू ईयर के आसपास होती है, अगर आप तब खरीदते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर आपको वो जरूरत नहीं है तो आप सेल्स पर खरीदना प्रेफर कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। तो नंबर 8 है गूगल, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जहाँ पर वो चीज़ सेल हो रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप वहाँ पर चीज़ सस्ते मिल रही है और कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रॉड होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप फ्रॉड वेबसाइट पर चले जाते हो तो जो ऑफिशियल स्टोर्स ऑफिशियल वेबसाइट्स वहाँ पर ही आप देखिए,
प्राइस टैग पर अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदना है, मिनिमम 6 क्वांटिटी होती है, अगर 6 चीज़ लेनी है आपने 6 क्वांटिटी खरीदनी है या उससे ज़्यादा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप होलसेल में, अगर आप होलसेल में खरीदते तो आपको 50% तक आसानी से डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपको डिस्काउंट लेना है कि हमें अपने दुकान के लिए लेने हैं कि हमें रीसेल करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में वो चीज़ दे देंगे। तो मेक श्योर कि आपको ज़्यादा सामान लेना है, अगर आप अपने दोस्त में लेना आप तो 4-5 मिलकर ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में चीज़ें मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर चीज़ें लेनी हैं तो आप alibaba.com से ले सकते हैं, पर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर शिपिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और अगर आपने एक दो प्रोडक्ट लेना है फिर वो आपके लिए नहीं है। बट एन है कि आप अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो आप कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कूपन कोड ढूंढने तो मैं आपको दो वेबसाइट बता देता हूँ, एक है वो shopper.com एंड सेकेंड है CashCrow। कैश करो तो मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। चलिए अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो आपको मैं क्लीन बोनस टिप दूंगा, ये सबसे जो महत्वपूर्ण है और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो आप डिस्काउंट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। आप अगर तीनों को कंबाइन कर देंगे तो आप 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। नंबर वन है यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 10% तक का जो डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर क्रेडिट ऐप यूज़ करते हो तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आप 10% तक का जो डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। नंबर टू है एफिलिएट मार्केटिंग, और जिसने एफिलिएट लिंक बनाया होता है उसको 2% या 1% या 3% इतना मिल जाता है आराम से, तो आप एफिलिएट लिंक बनाकर वहाँ से ले सकते हैं। पर मेक श्योर कि आप अपनी आईडी से मत खरीदना, अगर अपने दोस्त का एफिलिएट लिंक है फिर आप यूज़ कर सकते हो। अपने आप से यूज करोगे तो जो अमेज़न को पता लग जाएगा या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी आप उनको पता लग जाता है, तो आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्त या किसी और रिश्तेदार का यूज़ करें, चाहे उनसे आप पैसे ले सकते हैं वापस जब उनके पास आ जाए। तो नेक्स्ट है GST इनवॉइस। यस, GST इनवॉइस, अगर आप आपका कोई बिजनेस है, आपके पास GST नंबर है, तो आप एक बिजनेस अकाउंट बनाकर अमेजोन पर चीज़ें खरीद सकते हैं और आप सीधे 28% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर जब आप GST रिटर्न फाइल करोगे तो आपको 28% आपको मिल जाएगा। अगर आप तीनों जो स्टेप को आप यूज़ करोगे तो आपको जो 50% तक का डिस्काउंट आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आप तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, ये जो मैंने स्टेप बताई हैं लास्ट वाले, अगर आप तीनों यूज़ करते हैं तो आप 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपको मतलब कैसे नहीं पता कि कैसे GST इनवॉइस बनाया जाता है, कैसे जो एफिलिएट का अकाउंट बनाया जाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ। एंड अगर आप कोई और तरीका यूज़ करते हैं मैंने नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो और कौन कौन से तरीके आप यूज़ करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस, एंड मिलते हैं हमारे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।